हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे ही होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एज ए गवर्नमेंट डिमांड। ओके माय स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट डिमांड, इसका मीनिंग क्या है और इसके फैक्टर्स क्या है और इसमें कौन कौन सी बातें हैं, मीनिंग एंड फैक्टर्स। ओके माय स्टूडेंट, देखिए मीनिंग एंड टाइप्स, आज हम चर्चा करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स। ओके मैडम, तो गवर्नमेंट डिमांड का मीनिंग क्या होता है कि जो मार्केट में जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, मार्केट में पब्लिक हेल्थकेयर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसी को हम कहते हैं, इसी तरह के पब्लिक एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट डिमांड है। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल, रोड का बनना, सड़क का बनना, पुल का बनना, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग, पब्लिक फूड सेरेल्स, इन सभी का होना क्या कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट डिमांड। तो देखिए मैडम, गवर्नमेंट डिमांड दो प्रकार के होते हैं, पहला है कंजप्शन गवर्नमेंट डिमांड और दूसरा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट डिमांड। कंजप्शन गवर्नमेंट डिमांड, जो भी मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के हित में जो भी खर्च किया जाता है, इस तरह के खर्चों को गवर्नमेंट कंजप्शन डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, प्राइवेट एम्प्लॉय की जो सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी होती है, गवर्नमेंट पास, गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, इन सभी पे जो भी पैसे खर्च होते हैं उसी को कंजप्शन डिमांड करते हैं। ओके मैडम, गवर्नमेंट सेरेल्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सेट्रा, तो ये पब्लिक के हित में पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, तो इस तरह से जो पब्लिक के द्वारा जो कंज्यूम किया जाए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जब गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करती है, तो इस तरह की कंजप्शन डिमांड को हम गवर्नमेंट कंजप्शन डिमांड। सेकेंड गवर्नमेंट कंजप्शन डिमांड कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो है इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट डिमांड। गवर्नमेंट मार्केट में, इन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो भी पैसे इन्वेस्ट करती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग में, ठीक है, फॉर्म्स इस्टेब्लिश में, लोन लेने में, बैंक्स में, LIC में, शेयर मार्केट में, तो गवर्नमेंट का जो भी पैसा इन सभी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में जो भी इन्वेस्ट होता है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बिल्डिंग ओपन होते हैं, जिससे गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स बने, चाहे वो टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, जो भी गवर्नमेंट के लिए अर्निंग होती है, जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू या पब्लिक रेवेन्यू के रूप में जो भी गवर्नमेंट को अर्निंग होती, इसी तरह के इन्वेस्ट डिमांड को मार्केट में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड। ओके मैडम, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स, इस्टेब्लिशमेंट, बैंक, शेयर मार्केट, मनी मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन द LIC, शेयर मार्केट, डिवेंचर, ओके सो एक्सेट्रा, म्यूचुअल फंड, तो इस तरह के मार्केट में गवर्नमेंट डिमांड को कहते हैं इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट। ओके मैडम, तो आज हमने चर्चा किया द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिमांड। अगर आप, सो वंस अगेन वी हैव डिस्क्राइब टुडे द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिमांड। इफ देयर इज एनी डाउट, अगर आपको इसमें कहीं से डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लेगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, परंतु इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। और हाँ, मेरा मानना है कि मेरे और ऐसा करने में आपके 1 रुपये नहीं लगे, मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े, और मेरा वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो गए, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं, बिकॉज नॉलेज आर नेवर गेट इज़ फुल। ओके बस, न डायरेक्टली, और हाँ, मेरा मानना है वीडियो आप क्लास में बहुत ही फायदा, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट इज़ फुल। ओके बस, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एडवांस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कल का टॉपिक इस टाइप माइंड फॉरेन डिमांड, इसी तरह हम चर्चा करें व्हाट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फंड। ओके माइंड सर, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह, फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, शिव, एडवांस अगेन, हर हर महादेव, एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव।